तो बेल्ली करो वापस से मैं हजर हूँ माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो के साथ। एंड इसमें बात करें टॉप 3 बेस्ट सेटअप पैक फॉर योर MCB 1.19। ये वाले सेटअप पैक आपके रेंडर ड्रैगन इंजन में भी सपोर्टेड रहने वाले हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इनके डाउनलोड लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सिंपली वहाँ से इनको आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। हाँ, तो वहाँ सबसे पहले सेटअप पैक है उसका नेम आपको स्क्रीन पर देख के मिल रहा होगा। और बात करते हैं इसके गेम प्ले, तो गेम प्ले आपको उतना सा मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। इसके ओवरव्यू आपको काफ़ी ठीक ठाक सा मिल जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको फोगी टाइप का बेहतर देखने में मिल जाता है। और वही बात करें इसके गेम प्ले, तो गेम प्ले काफ़ी क्लियर रहता है और काफ़ी अच्छा है, जो कि पर्सनली आपको पसंद आया होगा और मेरे को पर्सनली पसंद आया ही है। और बात करते हैं इसकी बैटर क्वालिटी, तो बैटर क्वालिटी इसमें काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, जो कि मेरे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वह बात इसके अंदर के व्यू की पार्टर की, तो वह अंदर का जो व्यू है थोड़ा सा फोगी टाइप का रहता है, जो कि आपको उतना अच्छा नहीं है, बट इसको काम चलाओ जो कह सकते हो, जो कि आपको ठीक ठाक से पसंद आया होगा। तो साथ ही साथ हम बात करें इसके नाइट की व्यू, तो नाइट व्यू भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग जाता है, जहाँ पे आप उसके क्लाउड्स देख सकते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे हैं। और पर्सनली मेरा इसका जो डे का व्यू है उससे ज़्यादा तो मेरे को इसका नाइट व्यू पसंद आया, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को देखने में लग रहा है। और वह बात करते हैं इसके नाइट जो हमारी लाइटिंग होती है, टार्च जैसे भी सारी लैंप्स होती हैं उनकी लाइटिंग, तो लाइटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जो कि थोड़ा सा कलर का जो कलर होता है, लाइटिंग का जो कलर होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे इनहांस हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहती है। और वह बात करते हैं इसके सुबह के टाइम, उस सुबह का टाइम भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक सा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा बुरा भी हम लोग नहीं कह सकते। तो वॉइस का मुझे पर्सनली मेरे उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे आपको क्लाउड्स काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पे रेन ड्रॉप होती है, जो कि आपको पसंद आई होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला सेटअप पैक की, उसका नेम भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वैसे गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पे फुल्ली आपको क्लियर देखने मिल जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा फॉग नहीं देखने मिलता, जो कि आप लिए काफ़ी अच्छी बात रही होगी और आपको पसंद आया वो आप कंटिन्यू बता सकते हैं। वैसे मेरे को जैसा फॉग होता है इस बार सेटअप पैक, बहुत सेटअप पैक मेरे को पसंद नहीं आता, बट इसमें आपको मिल जाता साथ ही टेक्सचर पैक ग्रास का, जो कि आपको काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा। साथ ही बात गेम प्ले की, तो गेम प्ले भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर नो डाउट कर पा रहे होंगे। और इसमें कोई भी लेग या कोई भी प्रॉब्लम को फेस करनी नहीं पड़ेगी अगर पास अगर 2GB 3GB मोबाइल है तो। और वहीं बात करें इसकी बैटर क्वालिटी, तो बैटर क्वालिटी है इसमें आपको कोई भी इंप्रूव नहीं देखने मिलती, जो कि आपको माइनक्राफ्ट में देखने मिलता है उस वैसी क्वालिटी रहती है इस वाले सेटअप पैक में। और नाइट का भी उसमें काफ़ी ठीक ठाक सा मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मेरे को पसंद आया और आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई भी सेटअप पैक में जो नाइट का भी होता नहीं होता है जब से रेड ड्रैगन इंजन आया है। इसमें भी लाइटिंग का जो कलर वो थोड़ा सा नाइस हो चुका है, जिससे आपको जो लाइटिंग काफ़ी स्वीट और प्यारी देखने में लगती है। और मॉर्निंग का भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आप स्क्रीन पे नोट आउट कर पा रहे होंगे और काफ़ी ठीक ठाक सा लग जाता है। और साथ ही साथ में हम लोग बात की थी इसके सनसेट की, तो सनसेट भी आप नोट आउट कर सकते हैं, काफ़ी ठीक से डिसेंट अमाउंट में कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। तो रेन ड्रॉप भी आपको काफ़ी ठीक ठाक से मिल जाते हैं, रियलिस्टिक फीलिंग तो नहीं आती बट आप ठीक ठाक से कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड वे सेटअप पैक की, उसका नेम भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहेगा। इसको आप उसको एक्टिव करने का सिंपली इसको आप वहाँ से एडजस्ट भी कर पाओगे, जो कि इसमें आपको एक न्यू फ्यूचर मिल जाता है। और इसका गेम प्ले भी आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छे देखने मिल जाते हैं, बट ऐसे गेम प्ले में आपको कोई भी कलर ग्रेडिंग होती है वो उसमें नहीं देखने मिलती, जिसमें थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटेड सा फील होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सेटअप पैक में सिर्फ आपको क्लाउड्स और साथ ही बैटर में ही थोड़े से इंप्रूव देखने के मिलते हैं, बाकी इसमें और भी कोई चीज़ इंप्रूवमेंट नहीं की गई है, जो कि आपको नोट आउट कर पा रहे होंगे इसे गेम प्ले। और वाटर क्वालिटी बात थोड़ी सी मेरे को यहाँ पर अच्छी लगी, जो कि ठीक ठाक सी है, ज़्यादा अच्छी भी हम लोग नहीं कह सकते। और नाइट का भी काफ़ी मीडियम टाइप का, ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा बुरा भी नहीं है, आप उसको नोट आउट कर सकते हैं, काफ़ी मीडियम टाइप का रहता है। और लाइटिंग भी थोड़ी काफ़ी ठीक ठाक सी है। और हाँ, इसका जो मॉर्निंग टाइम है वो काफ़ी ठीक है, जो कि मेरे को पसंद आया और आपको भी पसंद आया होगा। तो होप सो गाइस आज के तीनों ही सेटअप पैक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको सेटअप पैक पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी कमाल की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आज रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।